नमस्कार दोस्तों, नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है सुदेश कुमार। दोस्तों, अब की बार नेट और जेआरएफ हम लेकर ही रहेंगे। अच्छे से मेहनत करिए, कोशिश करिए, पढ़िए। और मेन चीज़ ये होती है कि आप ज़्यादा टाइम पढ़ने के बजाय आप मेन चीज़ों को पढ़िए जो आपके काम आए। तो दोस्तों, मैं अपने वीडियो में मेन चीज़ें ही बताऊँगा, वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगी, जिनसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एनटीए नेट के पेपर में। तो चलिए, आज हम डिस्कशन करते हैं कम्युनिकेशन यूनिट का चैप्टर 5, जिसके अंदर है जो चैप्टर 4 था, वो मैंने इससे पहले कराया हुआ है, उसको भी आप अच्छे से देखिए। इसके अंदर चैप्टर 5 के अंदर करेंगे हम 7C's ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए 7 रूल्स का यूज़ करना। एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए 7 रूलों को फॉलो करना, यानी 7 रूल्स को फॉलो करना। तो वो 7 रूल्स क्या क्या हैं, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, उनको आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कम्प्लीटनेस। तो कम्प्लीटनेस कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि मैसेज आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, मैसेज पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अगर हम मैसेज आधा अधूरा भेजेंगे तो हमारा एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो हमें मैसेज पूरा ही भेजना है। उसके बाद आता है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब होता है टू द पॉइंट, यानी कि मैसेज टू द पॉइंट होना चाहिए, उसमें आलतू फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए। मान के चलो किसी ने पूरी रामायण पढ़ दी और उसमें काम की एक भी बात नहीं बताई, पॉइंट की एक भी बात नहीं बताई, तो क्या रिसीवर उसके मैसेज को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि मैसेज आपका कंसाइजनेस होना चाहिए। कंसाइजनेस का मतलब होता है टू द पॉइंट होना चाहिए, सिर्फ पॉइंट की बातें उसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आता है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन में क्या होता है, रिसीवर को ध्यान में रखते हुए मैसेज भेजना चाहिए। रिसीवर को ध्यान में रखते हुए मैसेज भेजना चाहिए, क्योंकि अगर मैं किसी और लैंग्वेज में मैसेज रिसीवर के पास भेज रहा हूँ और रिसीवर को वो पता नहीं है, उस लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है, तो वो उसको रिसीव नहीं कर पाएगा। या फिर दूसरे शब्दों में, अगर रिसीवर किसी और काम में लगा हुआ है या फिर किसी से लड़ाई करने लगा हुआ है और मैं उसके पास अपना मैसेज भेजना चाहता हूँ, तो वो उस कंडीशन में वो मेरे मैसेज की तरफ ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वो तो लड़ाई करने में लगा हुआ है। तो मुझे हर हालात में रिसीवर का ध्यान रखना है, तब जाके मैसेज उसके पास भेजना है। मुझे रिसीवर की कंडीशन का ख्याल रखना है कि वो किस कंडीशन में है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव होगा। उसके बाद चलते हैं करेक्टनेस, सही होना। मैसेज बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ये नहीं है कि उसमें कुछ गलतियाँ कर दी या गलतियों के साथ मैसेज को भेजा गया, वहाँ पे कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होगा। अगर आपका मैसेज सही होगा, करेक्टनेस होगा, तभी आपका कम्युनिकेशन एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाएगा, एक अच्छा कम्युनिकेशन माना जाएगा। उसके बाद है 5वां रूल है कर्टेसी। कर्टेसी का मतलब होता है रिस्पेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन में भी रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आप किसी आदमी से कहो बिना रिस्पेक्ट के कि चल भाई खाना खा ले, उधर पड़ा है, रसोई में पड़ा है, तो हो सकता है उसको भूख भी लगी हो फिर भी वो खाना ना खाए। और अगर आप इसी बात को एक रिस्पेक्ट के साथ उससे कहेंगे, आदर सत्कार के साथ कहेंगे कि चलिए मैं आपको खाना खिलाता हूँ, तो शायद हो सकता है उसको भूख ना भी हो, तब भी वो एक दो रोटी आपके साथ जाकर खा ले। तो उसी तरह से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो रिस्पेक्टिवली होना चाहिए, उसी से हमारा कम्युनिकेशन एक सही वे पर जाता है, उसको बोलते हैं हम कर्टेसी। उसके बाद आता है 6वां पॉइंट कॉन्क्रीटनेस। अब कॉन्क्रीटनेस का मतलब क्या होता है, सॉलिड ठोस कम्युनिकेशन। इसका मतलब आप ये नहीं समझ लेना कि मैसेज को किसी सीमेंट में लगाकर किसी के पास भेजना, वो कॉन्क्रीट नहीं होता। किसी कंक्रीट और सीमेंट के साथ लगाकर भेजना, ऐसे नहीं करना। इस कंक्रीटनेस का मतलब होता है कि जैसे एक सच्चा इंसान होता है, उसकी बातों में
ठोस, वो अपनी बातों से ठोस होता है, जो वो बात कहता है वो ठोस होती है, सॉलिड होती है। तो उसी तरह से हमारा कम्युनिकेशन भी सॉलिड होना चाहिए, यानी कि झूठ कोई बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट बात होनी चाहिए, उसके अंदर एक्यूरेट मैसेज होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कॉन्क्रीटनेस। उसके बाद चलते हैं क्लैरिटी। क्लैरिटी भी बहुत ज़रूरी है हमारे मैसेज के अंदर। अगर हम क्लैरिटी रखेंगे, स्पष्ट रखेंगे अपने मैसेज के अंदर, मैसेज को स्पष्ट रखेंगे, तो हमारा कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगा। और कम्युनिकेशन करते टाइम मैसेज के अंदर नो वैग्यूनेस, कोई आलतू फालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वैग्यूनेस का मतलब है फालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए उस मैसेज के अंदर, वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, तभी हमारा कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगा। तो दोस्तों, ये 7 रूल थे जो हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। इनको आप अच्छे से करके जाइएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद चलते हैं हम थोड़ा सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से मैं बहुत सारी चीज़ आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा और इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले आएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज़ द मीन ऑफ द फॉर्मल कम्युनिकेशन? फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे क्लास में कम्युनिकेशन फॉर्मल होता है, आप किसी क्लास में पढ़ते हो, आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपको टीचर से कुछ पूछना है, तो आप एक फॉर्मल वे से अपने टीचर से कुछ पूछोगे। और बाहर इनफॉर्मल होता है, क्लास से बाहर अगर आप अपने दोस्तों से बातें करोगे तो वहाँ पे कौन सा कम्युनिकेशन माना जाएगा? वहाँ पे माना जाएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक पॉइंट और है, राइटिंग हमेशा फॉर्मल होती है। ये क्वेश्चन आया था UGC एग्ज़ाम में, तो ये इसीलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है। जो राइटिंग हमारी होती है वो किस कम्युनिकेशन में आती है? वो फॉर्मल में आती है। उसके बाद चलते हैं राइटिंग एंड ओरल। राइटिंग एंड ओरल, रिटन जो होता है, रिटन एक्यूरेट होता है और इसकी वैल्यू होती है। रिटन जो होता है, ये सॉरी रिटन है, रिटन एंड ओरल, रिटन जो होता है वो एक्यूरेट होता है, ओरल एक्यूरेट नहीं होता है। और रिटन की वैल्यू होती है, ओरल की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद करना है। रिटन जो होता है वो एक्यूरेट होता है और इसकी वैल्यू होती है, बट ओरल एक्यूरेट भी नहीं होता और उसकी वैल्यू भी नहीं होती। अब कैसे, मान के चलो आपको किसी से कुछ कहलवाना है, आपको मान के चलो किस क्लास में से अपने किसी दोस्त से टीचर को बुलवाना है कि टीचर को बुला के ले आओ, क्लास ले लेंगे। तो वो जाता है, मुंह से कहता है सर से कि सर आपको वो बुला रही हैं, और वहाँ पे बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, यानी कि उसने एक शोर की शोर का जो सेंटेंस है वो भी जोड़ दिया उसमें, तो यहाँ पे एक्यूरेट नहीं हुआ। जो उसकी फ्रेंड है उसने कहा था कि सर को बुला के ले आओ, लेकिन उसने सर को बुलाया तो सही, लेकिन उसमें एक और जोड़ दिया, एक और सेंटेंस, तो यहाँ पे एक्यूरेट नहीं हुआ। अगर वहाँ पे वो जो बच्चा अपने दोस्त को टीचर को बुलाने के लिए भेज रहा था, वो अगर उसको रिटर्न में एक कागज़ पे लिख के दे देता कि इसको सर को दे आओ, तो वो उस कागज़ को दे के आती, सर को दे के आता और सर उसको पढ़ लेते, उसमें एक्यूरेट मैसेज होता, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे जो रिटर्न होता है उसमें चेंज नहीं होता, वो एक्यूरेट होता है, और जो ओरल होता है वो चेंज भी हो जाता है और एक्यूरेट भी नहीं होता है। उसके बाद रिटर्न के बारे में एक पॉइंट और है, नो चेंज ऑफ डिस्टॉर्शन, यानी कि इसके अंदर बदलाव संभव नहीं है। जो हमारा रिटर्न मैसेज होता है उसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते हम, आपको भी पता है, ये मैंने अभी बताया यहाँ पे। ओरल के अंदर क्या होता है? चेंज ऑफ डिस्टॉर्शन, यानी कि बदलाव कर सकते हैं हम इसके अंदर, जो हमारा ओरल मैसेज होता है उसके अंदर हम बदलाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ आपके बहुत इजी से पॉइंट्स, और इनको आप अच्छी तरह से पढ़िए। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से इस वीडियो को चलाकर पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं आपका एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा अच्छे से, और मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊँगा, जिससे आपको पता लगेगा कि किस तरह से, किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में, UGC नेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।